नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम बात करने वाले हैं दिल्ली प्रदूषण पर दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले के बारे में। हाल ही में केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए सम और विषम नंबरों वाले वाहन अलग अलग दिन यानी एक दिन छोड़कर चलेंगे। चीन और सिंगापुर की तर्ज पर अपनाए गए इस यातायात के तरीके को भारत में अपनाना कितना सही लगता है आपको? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बहुत भयावह स्तर तक पहुंच गया है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली में हम बात करें अगर प्रदूषण के स्तर की, तो दिल्ली का जो सबसे कम प्रदूषित इलाका है वो भी बीजिंग के जो सबसे कम प्रदूषण स्तर वाला इलाका उससे 50 गुना ज्यादा प्रदूषित है। मतलब अगर हम चीन से तुलना कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा प्रदूषण का स्तर कितना घातक है। तो दिल्ली सब देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से नहीं, विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में अपना स्थान बना रहा है और उसकी जो ये प्रदूषण का स्तर है उसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को लगातार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से और कोर्ट से ताने मिल रहे थे, फटकार मिल रही थी। उसके जवाब में ये जो कदम उठाया गया है, मैं ये मानता हूं कि ये ताबड़तोड़ जल्दबाजी में उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसके व्यावहारिक पक्षों को देखा नहीं गया है। एक तो ये सम विषम संख्या वाला जो प्रयोग है ये यूरोप के कुछ देशों में रहा है सफल, इसके अलावा सिंगापुर में कुछ हद तक सफल है, मनीला में भी, ये फिलीपींस की राजधानी में भी चलता है। लेकिन हमें जब ये तुलना करते हैं तो ये भी देखना होगा कि मनीला जो है वो 16 लाख की आबादी वाला शहर है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी जो है वो 4 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे में चीजों की स्केलेबिलिटी नहीं होती है। जो एक प्रयोग छोटे स्तर पर सफल हुआ है वो जब करोड़ों लोगों के लिए आप लागू करते हैं तो वो उतना सफल नहीं हो पाता है। दूसरा, चीन की आपने बात की, चीन में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन के जो साधन है वो बहुत मजबूत है। वहां की ट्रेन सेवा आप देख लें, बस सेवा देख लें, तो अगर आप कार से नहीं जा रहे हैं तो ट्रेन और बस से अपने कार्यस्थल पर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन दिल्ली में आप देखें कि मेट्रो और बस पर्याप्त नहीं है। इस फैसले में एक बात और रखी गई है कि दिल्ली की सड़कें वैक्यूम क्लीनर से साफ होंगी, तो क्या इससे दिल्ली की जनता पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? इस बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, वैक्यूम क्लीनर से सड़कों की सफाई से जो धूल है वो सड़कों की हटेगी और धूल के जो कण है वो भी प्रदूषण में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली का जो असल में प्रदूषण का स्तर है वो एक बहुत पेचीदा मसला है। निश्चित तौर पर उसमें वाहनों से होने वाला प्रदूषण बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो कार और दुपहिया वाहन है उनकी संख्या 84 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में जो भारी वाहन है वो 3.5 लाख से ज्यादा की संख्या में, तो 4 करोड़ की आबादी पर लगभग अगर 1 करोड़ के करीब तक वाहनों की संख्या पहुंच गई है तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक स्तर है वाहनों का। और दिल्ली में जो लगातार होने वाला जाम है, जहां पर आप 20 मिनट में पहुंच सकते थे वहां पहुंचने में अब 1 घंटा लग रहा है, तो इस वजह से सड़क पर यदि ज्यादा देर तक वाहन है तो प्रदूषण भी ज्यादा फैला रहे हैं। अब वैक्यूम क्लीनर से जो सड़कें साफ होंगी उससे धूल कम होंगी, लेकिन उसके अलावा वहां पर दादरी और आसपास के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स से होने वाला प्रदूषण है वो भी बड़ी भूमिका निभाता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत लंबे स्तर तक सोचकर बड़ी व्यापक कार्रवाई को अंजाम देना होगा। जैसे एक अच्छा प्रयोग जो कि थोड़ा दूरगामी है, उसमें समय भी लगेगा, लेकिन वो ये हो सकता है कि हम देखें कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक लोगों को लाने और ले जाने के लिए जो वाहन लगते हैं उनकी संख्या हजारों है। मतलब अगर एक दिल्ली T3 टर्मिनल के लिए बात की जाती है कि हर 4 मिनट में वहां पर एक लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, एक हवाई जहाज में अगर अमूमन औसत स्तर पर 250 से 300 यात्री भी बैठे हैं तो 300 जाने वाले और 300 आने वाले, तो 600 यात्रियों के लिए अगर आधे भी वाहन वहां जाते होंगे तो 300 वाहन जाते हैं हर 10 मिनट में, 300 400 500 वाहन अगर वहां हवाई जहाज के लिए जाते हैं, इसी तरह ट्रेन से आने जाने वाले हजारों यात्रियों को लाने ले जाने के लिए वाहन जाते हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट से दूर दराज के गाजियाबाद और नोएडा के क्षेत्रों के लिए सीधी मेट्रो की सेवा दे देंगे तो मुझे लगता है कि ये आने जाने वाले वाहन सड़क से अचानक हटेंगे, जब ये हटेंगे तो भी प्रदूषण का स्तर निश्चित कम होगा और जाम से भी निजात मिलेगी। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सेवाओं को इस योजना से अलग रखकर देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक आम वाहन चालक की आपातकालीन परिस्थितियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में कोई आम इंसान या तो समय की बर्बादी करेगा या फिर किसी तरीके से आर्थिक बोझ का शिकार होगा। देखिए, बहुत और भी दूसरे मसले हैं, बहुत पेचीदा मामला है जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं। एक तो इसमें मैं कुछ खुलासा करना चाहूंगा वेब दुनिया के वेब वार्ता के सभी दर्शकों के लिए कि ये 1 जनवरी 2016 को लागू होने वाला है सम और विषम संख्या वाला प्रयोग, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार ने भी इस पर स्पष्ट किया है कि ये 15 दिन के लिए प्रयोग के तौर पर लागू किया जाएगा। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसको लागू करके देखा जाएगा कि इसके क्या परिणाम है, इसमें दिक्कतें क्या आ रही है। इसमें कई सारी व्यावहारिक दिक्कतें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि फैसला सरकार ने लिया है और लागू दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक पुलिस को करना है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अभी इसमें शामिल नहीं है, उनको स्टेक होल्डर ही नहीं बनाया गया है, वो
उनका विधान, उनका संचालन बिल्कुल अलग तरीके से होता है, वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है सीधे तौर पर, तो वो अगर इसमें शामिल नहीं है तो उनको अगर लेकिन इस योजना को लागू करवाना है तो उनसे क्या राय ली गई, उनकी व्यावहारिक दिक्कतों को, उनके फोर्स की दिक्कतों को समझा गया। दूसरा, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, एक दिन पहले आदमी सम संख्या की गाड़ी से अगर अपनी ड्यूटी पर गया है और अगले दिन विषम संख्या का नंबर है और उसकी गाड़ी वापस नहीं आने दोगे, आप सड़क पर नहीं चलने दोगे तो कैसे चलेगा, वो जा रहा है या आ रहा है आपको कैसे पता चलेगा। आपने ठीक बात कही कि आपातकालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया, लेकिन आपातकालीन के अलावा भी बहुत सी, दूसरा इसमें केवल दिल्ली की जो रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां हैं उन पर लागू किया गया है, लेकिन दिल्ली जो है वो असल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में ही संचालित होता है। गाजियाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में लोग रहते हैं, लोग नोएडा से गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं, गुड़गांव से नोएडा आते हैं, लोग फरीदाबाद में रहते हैं वहां से आते हैं, तो जिनका उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है वो गाड़ियां लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हैं, दिल्ली को पार करती हैं, दिल्ली से आती जाती हैं, उन गाड़ियों के लिए क्या नियम कानून रहेंगे। तो इसके जो सारे व्यवहारिक पक्ष हैं, व्यवहारिक पहलू हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार जो पड़ी है उसके जवाब में ये कदम फौरी तौर पर उठाया गया है। हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज जो होती है बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर होती है, यहाँ के लोगों की तासीर, लोगों का रहन सहन का तरीका अलग है। विदेशों में जो प्रयोग सफल हुए हैं वो वहां के अनुशासन, वहां की कम जनसंख्या की वजह से हुए हैं। हिंदुस्तान में आप वही प्रयोग जब करोड़ों की जनसंख्या पर और ऐसे जगहों पर जहां पर आने जाने की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं लागू करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली की आधी गाड़ियां ही, दिल्ली की कुल गाड़ियों में से आधी गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगी, लेकिन बाकी बची आधी गाड़ियों के बारे में केजरीवाल सरकार ने अब तक कोई विकल्प नहीं रखा है। नहीं, ये अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन गाड़ियां सड़क पर आएंगी सम और विषम संख्या वाली, ये प्रयोग नया नहीं है, दूसरे देशों में हुआ है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। और जो आधी गाड़ियां नहीं आएंगी उनके लिए उन्होंने कहा कि उस दिन ज्यादा बसें चलाई जाएं, मेट्रो को ज्यादा घंटों तक सेवा देनी पड़ेगी, लेकिन आदमी को अगर 10 बजे दफ्तर पहुंचना तो उसको 10 बजे पहुंचना, यही तो दिक्कत है कि जब 10 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए वो 8-8:30 बजे कोई मेट्रो लेने जाता है तो उसमें जिस तरह मुंबई की लोकल ट्रेनों का हाल हुआ वैसा हाल है, जबरदस्त भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, तो व्यक्ति उसको लेकर तो उस पे चढ़ना संभव ही नहीं है। लैपटॉप लेकर आजकल आदमी सामान लेकर, बैग लेकर चलता है, वो लेकर आप मेट्रो में जब चढ़ने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी दिक्कत है। दूसरा, मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो सारे क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बीच में मेट्रो अगर बदलनी पड़ती है, मान लीजिए आपको नोएडा से एयरपोर्ट जाना है तो आपको पहले राजीव चौक जाना पड़ेगा, वहां मेट्रो बदलनी पड़ेगी, वहां से आप जा पाएंगे, तो वो जो लंबा सफर है वो 1.5-2 घंटे का, उसके बजाय वो सोचता है 1 घंटे से मैं सड़क के रास्ते से जाकर टैक्सी से ही पहुंच जाऊं। तो पहले आपको ऐसे साधन सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी जो विकल्प के तौर पर अपनाई जा सकती हैं बिना समय का हर्जा किए, बिना अपनी नौकरी या दूसरे अन्य कामों से किसी भी तरह का समझौता किए। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया गया है जिसकी काफी आलोचना भी की जा रही है, तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रदूषण के से बचने के लिए दिल्ली सरकार के पास क्या कोई और विकल्प नहीं था? सबसे बड़ी बात यही है कि कोई दूरगामी योजना जिसमें आज से अगले 2-3-4-5 सालों में, जैसे एक देखिए कि कुछ समय पहले कोर्ट के कहने पर जब शीला दीक्षित 15 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं तो उनके पहले कार्यकाल के समय से लगातार कोर्ट से मांग गई और कोर्ट ने फिर जो गैस के वाहन चलाए थे तो गैस के वाहन चलने के बाद दिल्ली में निश्चित तौर पर प्रदूषण के स्तर में बहुत कमी आई थी, लेकिन समय के साथ साथ वो गैस वाले जो रिक्शा और गैस वाली जो बसें हैं वो तो संख्या बहुत कम रह गई और निजी वाहन और दूसरी टैक्सियां जो डीजल से चलती हैं, बड़ी एसयूवी गाड़ियां जो डीजल से चलती है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। BRTS का वहां प्रयोग किया गया लेकिन BRTS फेल हुआ और BRTS को तोड़ने का आदेश दे दिया गया, करोड़ों रुपए की लागत से एक परियोजना बनी, जनता का पैसा लगा और अब उसको तोड़ने का आदेश दे दिया गया। तो हमें प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए जो दूरगामी कदम है वो उठाने पड़ेंगे। दूसरा, दिल्ली पर असर आसपास का भी पड़ता है, हरियाणा में जो पंजाब में जो खेती होती है और वहां पर अचानक जो फसलों के ठूंठ जला दिए जाते हैं उनसे होने वाला धुआं भी दिल्ली में जो स्मॉग बनता है जिसको स्मॉग कहा जाता है, स्मॉग प्लस फॉग, उसका एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, तो उसको कैसे दूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजों पर एक साथ लंबे समय के लिए काम करना होगा, अधिक पेड़ लगाने होंगे, दिल्ली की हवा जहां जहां जहरीली है वहां पर किस तरह के पार्टिकल्स उसमें हैं, उन पार्टिकल्स को दूर करने के लिए और क्या हो सकता है, धूल के कणों को, कचरे की सफाई के जरिए। दूसरा, जो गाड़ी के लिए आप जागरूकता भी ला सकते हैं, दूसरा वैकल्पिक साधन उपलब्ध करा सकते हैं, तब जाकर अगले 2-3-4-5 सालों में आप कोशिश करके दिल्ली के जो वायु प्रदूषण से उससे मुक्ति पा सकते हैं।
केजरीवाल सरकार के इस निर्णय के बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लोकतंत्र में अगर सरकार अपने फैसले थोपने लगे तो क्या एक सही परिपाटी होगी? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। सरकार, दिल्ली सरकार तो वो सरकार है जो जनता की भागीदारी के नाम पर चुनकर आई है। वो मानती है कि हर फैसले में जनता को भागीदार बनाना चाहिए। सम और विषम संख्या वाले वाहनों वाला प्रयोग लागू करने से पहले आपने जनता की किसी तरह की भागीदारी नहीं ली। आप SMS पर जनता की राय लेने वाले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि जनता की सरकार है और जनता से पूछे बिना आप फैसले कैसे ले रहे हैं। तो आपने सम विषम संख्या वाले मामले में क्या जनता से पूछा है? आपने नहीं पूछा है। तो आपने ऐसा क्या कदम उठाया जिससे आप जनता से पूछें कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या सहयोग जनता से मिल सकता है? क्या उनके दिमाग में कोई ऐसे विचार हैं जो ज्यादा बेहतर और व्यवहारिक हैं? केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई ये योजना प्रदूषण के उद्देश्य से कितनी कारगर साबित होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वेब वार्ता में इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।